मंदिर वाला एरिया मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया हुआ है, आई थिंक एक आध ब्लॉग में तो आया ही है, लेकिन ये चीज़ जो है वो नहीं है। पहले यहाँ पे पूरा ऐसा कच्चा था, खेत जैसा था, लेकिन ये सही है। तो टाइम स्पेंड करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, बैठते हैं, बैठ जाते हैं आराम से और करते हैं फिर आपसे बात। हेलो जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं सारे। आज का ब्लॉग जो है वो कोई भी सिनेमैटिक या ट्रैवल के ऊपर नहीं है। आज बिल्कुल सीरियस बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंट में मैं जो भी ब्लॉग डाल रहा हूँ उसके कमेंट सेक्शन में मैं एक ही चीज़ पढ़ता हूँ कि भाई ETO क्या होता है सर, इसकी सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंस्टाग्राम खोलो, उसमें स्टोरी में कोई और अपलोड कर रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में मुझे आता है कि सर ये बताइए कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप क्या है, इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप क्या है। तो आई थॉट दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। वैसे तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर पहले भी व्लॉग बना चुके हैं, अब आप लोगों को मेरे मुंह से सुनना है तो चलो ठीक है, फिर आज इसी के बारे में ही बात करेंगे। जो लोग ट्रैवल या कुछ और देखने के तरीके से या सोच से आए हैं कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आई एम सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी में ETO बनना जो चाहते हैं उनके लिए ये व्लॉग है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम कि ETO होता क्या है, व्हाट इज एन ETO। सो ETO स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, या फिर हम उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और प्रोफेशन में भी होते हैं, जैसे कि लैंड जॉब्स में, डिफेंस में या होटल्स में, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मर्चेंट नेवी में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की। तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, या फिर हिंदी में अगर हम कहें बत्ती साहब, तो ये शिप का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन तीनों चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ शिप्स में हर एक मशीनरी इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन को यूज़ कर रही है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में स्कूटी, कार या बाइक आजकल आप देखें तो वो सब इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। सो सेम साइड शिप्स में भी इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो द डिमांड एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इज़ अ लॉट, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इज़ प्रेजेंट इन द शिप। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ बिकमिंग एन ETO इन 2021 और इन 2022। ठीक है, अब मैंने 2018 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अपनी प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, लेकिन जस्ट फॉर यू ऑल मैंने कुछ एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर के पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं, जो अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च करके पढ़े, ऑलमोस्ट दे आर सेम बट कुछ कुछ चीज़ें उसमें अलग हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो कॉमन है वो ये है कि अ कैंडिडेट शुड हैव अ 12th विद 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरी फिजिक्स में 60% हैं, या फिर सर मेरे फिजिक्स एंड इंग्लिश में 60% बन रहे हैं, तो मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं, उनका मतलब है 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इन तीनों का एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। सेकंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू शुड हैव अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपने बीटेक करी हो विद 60%। थर्ड पॉइंट है एज, एज यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी है, मेरे टाइम पे एज वॉज 30 years, लेकिन यहाँ मैंने अलग अलग वेबसाइट्स पे पढ़ा है तो एज शुड नॉट बी मोर देन 35 years। फोर्थ पॉइंट इज वेरी बेसिक एंड येस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू रन हेयर एंड देयर इन द शिप। अब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर या बत्ती साहब जो है ना, वो शिप में एक जगह बैठ के ऑफिस का काम नहीं करता, शिप के आगे फ्रंट, शिप के बैक में, शिप का इंजन रूम, शिप का ब्रिज जहाँ से शिप चलता है, अकोमोडेशन जहाँ पे लोग रहते हैं, गैली जहाँ पे खाना बनता है, हर जगह इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के राउंड होते हैं, रूटीन मेंटेनेंस होती है। सो यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। फर्स्ट इज द नोटिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम जो है वो साल में दो बार होता है और डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो इसको कंडक्ट करती हैं।
40 सीट जो है उसके लिए ये एग्ज़ाम किया जाता है। अब रिटन एग्ज़ाम में देर विल बी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड रीजनिंग टेस्ट। मेरे टाइम पे इट वाज ओनली रिटन टेस्ट विच वाज सब्जेक्टिव, देर वाज नो ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में मेरा इंटरव्यू था एंड देन देर वाज मेडिकल एंड देन देर वाज ज्वाइनिंग फॉर द प्री सी ट्रेनिंग। लेकिन मैंने अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट्स में चेक किया और ये मुझे देखने को मिला है कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस रीजनिंग के टेस्ट होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल नॉलेज का टेस्ट होगा, इंग्लिश टेस्ट होगी और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब इलेक्ट्रिकल नॉलेज में बात करें तो इलेक्ट्रिकल नॉलेज में वो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, ये आप माइंड में रखें, क्योंकि मोटर रिलेटेड, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर रिलेटेड, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, सो ऐसी बेसिक चीज़ें जो आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। अब इंग्लिश जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है शिप्स के अंदर, तो इंग्लिश का जो टेस्ट है वो ज़रूर लेंगे। एंड थर्ड इज़ द एप्टीट्यूड, ये कुछ कंपनीज में होता है, कुछ कंपनीज में नहीं होता। जैसे कि मेरे टाइम पे एप्टीट्यूड वॉज नॉट देयर, लेकिन अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज टेकिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। सो मे बी वर्बल एंड नॉन वर्बल दे विल बी टेकिंग एंड अदर सम एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये तीनों का मिक्सचर, इलेक्ट्रिकल नॉलेज, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का मिक्सचर जो है वो आपको एक एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। देन When you will be clearing this, then you will be called for the interview. जहाँ पे भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको इंटरव्यू देना है। चीज़ यहाँ पे मैंने जो चीज़ चेक की है that is the psychometric test which most of the companies are taking now. ये भी मेरे टाइम पे नहीं था psychometric test, लेकिन psychometric test जो है वो अभी इन्होंने mandatory कर दिया है। So ये भी आपको ख्याल रखना है कि ये भी आपको क्लियर करना है। And then when all these things will be completed, you will be called for the 4 or 4.5 months for pre-sea training in their respective institute. ठीक है जी। अब pre-sea training का मतलब क्या है, और लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर इस टाइम पे हमको सैलरी या फिर स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता। नहीं मिलता, सीधा जवाब, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं। 4 या 4.5 months की pre-sea training का क्या मतलब है, इसका मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने इंटरव्यू दिया है उनका रिटन एग्जाम क्लियर किया है, अब वो आपको अपने इंस्टीट्यूट में बुला रहे हैं 4 months की pre-sea training करने के लिए, जहाँ पे वो आपको शिप्स की बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। शिप्स में कौन कौन सी मशीनरी लगी हुई है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ऑल उन सब मशीनरी से जो आपको एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर शिप में जाके संभालनी है या फिर उनकी मेंटेनेंस करनी है। 4 या 4.5 months की प्री सी ट्रेनिंग के बाद में आपकी पासिंग आउट परेड होगी। आफ्टर पासिंग आउट देयर विल बी सम वेटिंग टाइम। अब ये वेटिंग टाइम जो है, इसका भी एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि वेटिंग टाइम कितना रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत कम रहता है। नाउ अगेन दिस डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी। मेरे टाइम पे लेट्स सपोज मैं अगर जनवरी में पास आउट हुआ था तो आई वेटेड फॉर 2.5 or 3 months एंड आफ्टर दैट आई गॉट द शिप। ऑल्सो ये भी डिपेंड करता है कि फाइनल एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं और आउट ऑफ 40 आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर बिटवीन 1 to 10 तो आपको शिप बहुत जल्दी मिलेगा। इफ़ यू आर 10 to 20 सो दैट सीरीज विल गो ऑन। एक तो वो चीज़ है और दूसरा कंपनी की वेटिंग पॉलिसी कितनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ETO ट्रेनिंग, द फुल ट्रेनिंग। पे ETO को 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज द प्रीसी ट्रेनिंग जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ द 4 month DG सर्टिफाइड कोर्स। तो जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी सेंट ऑन बोर्ड फॉर 8 months। सो दैट इज़ द सी ट्रेनिंग पार्ट 1। यहाँ पे इन्होंने प्री सी ट्रेनिंग का एक पार्ट रखा है, देन द सेकंड पार्ट इज सी ट्रेनिंग फॉर 8 months ट्रेनिंग एज एन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। सही है, तो ये मेरे टाइम पे भी था। लेकिन सेकंड इज़ द सी ट्रेनिंग पार्ट 3, दैट इज 6 month ट्रेनिंग एज एन असिस्टेंट इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। देन यू आर एलिजिबल टू बी employed as a ETO. Now what is COC? COC stands for Certificate of Competency. Means अब आपको electrical का काम आ गया है और अब जो है आप अपना final exam दे के you will be the full and final electrical officer on board the ship. अब हम बात करेंगे कि ETO का exact job profile क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ETO बनना तो है लेकिन उसका job profile है जो अभी तक समझ में नहीं आया कि वो जब ETO बन जाएंगे उसके बाद में वो शिप पे करेंगे क्या। सबसे पहले यू हैव टू डू द रूटीन चेकिंग ऑफ डिवाइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन द ब्रिज, इंजन रूम, एकोमोडेशन, डेक एंड गैली। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये भाई साहब का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ऑन अ डेली बेसिस आपको रूटीन राउंड लेने हैं आपकी हर एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेशन मशीनरी के, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वायर शॉर्ट तो नहीं है, कोई और कंट्रोल पैनल में कोई इशू तो नहीं है, स्विच बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
और अगर किसी का कोई रूटीन आ रहा है, किसी का कोई क्लीनिंग रूटीन है या रिस्पेक्टिव जो भी रूटीन आ रहा है, वो आपको वो करना है, ये आपका प्राइमरी काम है। एंड द सेकेंड इज दैट यू हैव टू इंश्योर दैट द वेसल हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इट शुड बी अपडेटेड। आपके शिप में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं अगर वो टाइमली अपडेटेड नहीं है तो आप सेकंड इंजीनियर से डिस्कस कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ चीफ इंजीनियर यू ऑल कैन डिस्कस एंड यू कैन अपडेट दैट रिस्पेक्टिव मशीनरी। अपडेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई कंट्रोल सिस्टम में, लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर है जो कि अपडेट करने वाला है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन टेल योर सेकेंड इंजीनियर और द चीफ इंजीनियर दैट दिस सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड। दे विल अरेंज दैट सॉफ्टवेयर फॉर यू एंड देन यू हैव टू अपडेट दैट। अदरवाइज नॉर्मल अपडेशन मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी वायर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉन्टैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी छोटी चीज़ की वजह से माल फंक्शन हुआ है। ओके, थर्ड इज यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द टास्क विद द टेक्नीशियन ऑन द शोर वेन द ट्रबल शूटिंग इज रिक्वायर्ड। कभी कभी ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि आपका कभी कोई ऐसी ट्रबल शूटिंग में काम आ जाता है जहाँ पे शिप में वी आर नॉट दैट एक्सपर्टीज इन सॉल्विंग दैट, सो व्हाट वी डू इज वी टेक हेल्प फ्रॉम द शोर, आई मीन लैंड पे हम अपने ऑफिस में बात करते हैं, देन दे प्रोवाइड अस द टेक्नीशियन हेल्प। तो हमें उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड काम करना पड़ता है, सो आपको वो सब चीज़ें जो हैं वो ट्रबल शूट करनी पड़ेंगी जो वो आपको बताएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंश्योरिंग दैट द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द सेफ्टी ड्यूरिंग एन एमरजेंसी शुड बी हैंडी। तो जो भी इंट्रेंसिक सेफ लैंप्स हैं या लाइटिंग्स हैं या जो भी चीज़ें जो सेफ्टी के टाइम पे चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का काम है कि वो हैंडी हों सो दैट ऑल द ड्यूटी इंजीनियर्स कैन टेक देम एंड यूज देम। द लास्ट पॉइंट इज इंश्योरिंग ऑल द लाइटिंग इज वर्किंग इन द शिप। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है एज ए बत्ती साहब, ये आपका काम बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शिप में हर एक लाइटिंग जो है वो वर्किंग होनी चाहिए, फिर वो चाहे एक छोटा सा बल्ब ही क्यों ना हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जॉब प्रोफाइल्स आपको कुछ पेपर वर्क भी करना पड़ता है जिसमें आपने क्या क्या रूटीन्स किए हैं, आपके क्या क्या काम हुए हैं, आपने कौन से बड़े काम छोटे काम, हर एक का अलग सेपरेट पेपर वर्क होता है, तो वो भी आपको एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर करना है। सही है, अब हम बात करते हैं कि भैया ETO की फीस कितनी होती है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। I have done pre-C training from Shipping Corporation of India, so मेरे time पे fees थी that was 4,15,000. Now मैंने यहाँ पे research में पढ़ा है कि some colleges are taking 2,50,000, some are taking 3,00,000, some are taking 3,50,000. अब इस course fees में आपकी हर चीज़ included है जिसमें आपका 4 या 4.5 months का stay, आपका फूड, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, आपका मेडिकल चार्ज, आपका पासपोर्ट, आपकी CDC, आपका एंडोर्स नंबर, एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। इसमें हम डेफिनेट नहीं कह सकते, बट यू कैन से इट वेरीज फ्रॉम 2.5 to 4.10। ओके जी, अब बात करते हैं कि रोकड़ा, हिमाचली में बोले डौए किन्ने के मिलने। तो सैलरी जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि सैलरी आपको प्री-सी ट्रेनिंग करने के टाइम पे नहीं मिलती, लेकिन जैसे आप ऑन बोर्ड हो जाते हो तो आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। ना स्टाइपेंड आई मीन टू से व्हेन यू आर अ ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर देन इट विल बी कॉल्ड एज अ स्टाइपेंड, व्हेन यू आर एन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर देन इट इज़ कॉल्ड द सैलरी ऑब्वियसली। सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। इनकी जो वेरिएशन है वो ऐसी है कि व्हेन यू आर अ ट्रेनी ETO यू विल बी गेटिंग अराउंड 200 to 500 US dollars। मैं US dollars में ही बात करूँगा, आप इसको जो है वो इंडियन मनी में कन्वर्ट कर लेना। INR जो है वो वेरी करता रहता है बिटवीन 72 to 74, 75, सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन मल्टीप्लाई। एज एन असिस्टेंट यू विल बी गेटिंग अराउंड 1,000 to 3,000, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी। ओके, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको 3,000, 2,800, 2,500 भी मिल जाएंगे। और एज ETO नाउ यू आर हैविंग अ COC देन यू विल बी गेटिंग अराउंड 4,000 to 6,000 US dollars डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब लास्टली नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में और
ये COC का फंडा है। तो COC मींस अब आपने ट्रेनिंग कर ली, अब आपकी 8 मंथ्स की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, प्रीसी भी कंप्लीट हो गया। अब डीजी शिपिंग में ये मेंशन है कि 8 मंथ्स के बाद में आप COC का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे केसेस, 95% केसेस में कैंडिडेट जो होते हैं वो डायरेक्ट 8 मंथ्स के बाद में COC का एग्जाम नहीं देते। रीज़न, वो चाहते हैं कि वो और एक्सपीरियंस गेन कर लें सो दैट जब वो एग्ज़ाम दें तो उनके लिए इजी हो, बिकॉज COC का एग्ज़ाम जो है दैट इज़ अ रिटन एग्ज़ाम एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द ओरल और यू कैन से एन इंटरव्यू। सो इंटरव्यूअर जो है ऑब्वियसली ही और शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर द फाइनल COC एग्जामिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। अगर आपको लगता है कि 8 महीने में आपने इतना सीख लिया है और आपको उतनी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है, यू कैन गिव द एग्जाम एंड यू कैन क्लियर इट, सो गो फॉर इट। अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप मीन्स आपने एक ऐसी कंपनी में अप्लाई करना है जो आपको पढ़ाने के साथ साथ शिप देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड करती है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि DG सर्टिफाइड हैं, ये भी आप कंफ्यूज मत होना कि सर वो तो DG अप्रूव्ड है तो इसका मतलब वो तो हमें शिप्स दे ही देंगे। नो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि DG सर्टिफाइड हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट हैविंग देयर ओन शिप्स। वो क्लेम करते हैं कि वो ट्रेनिंग के बाद में आपको कंपनीज को बुला के आपकी प्लेसमेंट्स करवा देंगे। नाउ स्टिल दैट इज़ ऑल्सो ओके आइडिया, आई मीन आई विल नॉट से इट गुड, बट बेस्ट तो यही है कि आप उसी कंपनी में जाएं जिनके इंस्टीट्यूट खुद के हों और शिप्स भी उनके खुद के हों और वो आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग के बाद में शिप्स में भेज सकें। सो अब बात आती है कि वो कौन से कॉलेजेस हैं। मैंने तो SCI से किया है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि भाई SCI इज़ द बेस्ट। जिसने एंग्लो से किया होगा वो बोलेगा एंग्लो ईस्टर्न इज़ द बेस्ट, सही है। लेकिन अगर आपको और भी कॉलेजेस के बारे में पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कॉलेजेस के नाम दे दूंगा जो मुझे पता है, जो जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं एंड दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, दे आर हैविंग अ गुड करियर, सही है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ETU। तो मैं अब ये एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि यार अगर मैं इनकेस कोई ट्रैवल वीडियो डालूँ या कोई नॉर्मल स्टोरी व्लॉग डालूँ जहाँ पे मुझे आपसे कोई बात करनी है, तो आप उसके कमेंट सेक्शन में ये ना पूछें कि सर ETO में ये क्या होता है, बिकॉज हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना। तो आई थिंक इस वीडियो में 95% मैंने क्लियर कर दिया आपका सब कुछ, 5% तो डाउट रह ही जाते हैं सबके। सो दिस विल हेल्प यू, आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी। तो ठीक है जी, इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।